हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डिलीशियस ईटेबल। आज मैं लड्डू की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे कान्हा जी का भोग भी लगाएंगे और इसे घर में बहुत ही सस्ते और आसान तरीके से बना सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं और चलते चलते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले मिश्री, बादाम, काजू, खारे गीले खारे और किसा हुआ नारियल, दाने, पिस्ता, अंजीर, चारोली, ओट्स, चने और परमल लें। और यदि आप ये नहीं भी लेना चाहते हो तो आप इसे स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पर यदि आप इसे लेंगे तो ये भी लड्डू में बहुत ही बढ़िया लगते हैं और इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। और अब सबसे पहले एक पॉट लें, मिक्सर पॉट, और इसमें जो गीले खारे के हैं उसको तोड़कर डाल दें और इसे पीस लें। ये ज़्यादा अच्छे से पिसाते तो नहीं है, पर जब इसमें ड्राई फ्रूट्स डालते हैं तो ये अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। अब एक भारी तली की कढ़ाई या पैन ले, उसमें 2 चम्मच घी डालें और इसमें बादाम, दाने, काजू और सबको मिलाकर अच्छे से सेक लें और इसके साथ ही इसमें पिस्ता भी डाल दें। अब देखिए इसमें कलर आ गया है, तो इसे एक बाउल में निकाल कर अलग रख देते हैं। अब इसी तरह 1 by 1 अपन ओट्स, चने और परमल को भी सेक लेते हैं। परमल को मैं घी डालकर नहीं सेक रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर इसकी नमी को दूर करना है। इसमें जब ये रखे रखे थोड़े से नरम पड़ जाते हैं तो इसको जब अपन सूखे सेकेंगे तो ये जल्दी से कड़क हो जाएंगे। और देखिए मैं इसका एक दाना दबा के भी बताती हूँ कि ये कितने कड़क हो गए। अब मैं ऐसे ही मखाने को भी सेक रही हूँ, इसमें भी मैं अभी घी का उपयोग नहीं कर रही हूँ। मखाने में जो नमी रहती है सेकने में कड़क हो जाते हैं। फिर से पैन में जो मैंने किसा हुआ नारियल जो बाटकी का लिया है उसे डाले, चारोली डाले, तिली डाले और इसे भी भून लें। इसमें किसे नारियल का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब इसे एक बाउल में निकाल ले और फिर पैन में जो खजूर ग्राइंड किया था उसे डाल दे और इसके साथ ही 2 चम्मच घी डालें ताकि ये थोड़े से नरम पड़ जाए। दूसरी तरफ पॉट में काजू, बादाम, दाने, पिस्ता जो लिए थे उसे ग्राइंड कर ले और इसे भी अब पैन में खजूर के साथ में मिलाते जाए और जो मखाने हैं उसे भी ग्राइंड करें और उसे भी डाल दें। दूसरी तरफ जो अंजीर लिए उसके भी बारीक बारीक टुकड़े कट कर लें और उसे भी डाल दें और इसी के साथ इसमें गुड़ डाल दें। कान्हा जी के भोग में गुड़ का भी बहुत महत्व रहता है, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा नहीं पर थोड़ा सा गुड़ ज़रूर डाला है। और अब इसे भी इस मिक्सर में मिक्स कर लें। अब जो परमल, ओट्स और चने लिए हैं उसे भी ग्राइंड कर दें। अब बस अपन को जितनी भी चीज़ ली हो उसे इस मिक्सचर में मिक्स करते जाना है। और अब देखिए इसका लड्डू नहीं बन रहा है, थोड़ा मुझे इसमें सूखा लग रहा है। और अभी भी जो चीज़ें बची हुई है जैसे मिश्री, वो भी इसमें डाल दें और मिश्री को कूट कर डालें ताकि वो सारे मसाले में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसमें नारियल, तिल्ली और चारोली जो भुनी हुई थी उसे भी डाल दें। अब मैं इसमें 2 चम्मच खसखस डाल रही हूँ। खसखस का भी टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है, इसलिए इसमें खसखस ज़रूर डालें। अब मैं इसमें 3 से 4 चम्मच घी और ले रही हूँ, क्योंकि मैंने ड्राई फ्रूट्स को सेकने में और प्लस मैंने जो खजूर है उसको नरम करने में घी लिया था थोड़ा सा। पर ड्राई फ्रूट्स के लड्डू में घी डालना बहुत ज़रूरी रहता है, तो मैं यहाँ पर 3 से 4 चम्मच घी और डाल रही हूँ और इसे मिक्स कर रही हूँ। साथ ही में मैं यहाँ पर 1/2 कप दूध भी डाल रही हूँ, जिससे लड्डू की बाइंडिंग अच्छे से हो सके। फ्लेवर के लिए मैं यहाँ पर इलायची पाउडर डाल रही हूँ और इसके साथ ही मैं 1 मुट्ठी किशमिश डाल रही हूँ। किशमिश से भी इसकी मिठास बन। मिठास के लिए मैंने खजूर, अंजीर और किशमिश का यूज़ किया है
और इसमें ये बिल्कुल शुगर फ्री है, तो जो शुगर पेशेंट भी है वो भी इसका उपयोग कर सकते हैं। और इसमें इतनी एनर्जी रहती है क्योंकि ये सारे ड्राई फ्रूट्स और ओट्स के बने हुए हैं, तो आप इसे ज़रूर बनाएं। मैं इस बार कान्हा जी को इसी लड्डू का भोग लगा रही हूँ। आप किसका लगाएंगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाय बाय।